हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, और ये देख सकते हो मम्मी तैयार है, अक्षत भी रेडी है और आद्या भी रेडी है। ये देखो, हाय हाय करो सबको। हाय नहीं, केवल हाय करना है। पार्टी में जा रहे हो? नहीं, हम पार्टी में नहीं जा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं। और जहाँ भी जा रहे हैं आप लोगों को ज़रूर लेके जाएंगे। और मौसम एकदम उमस वाला हो रखा है, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आपको बता नहीं सकते हैं। गेट बंद कर लो। तो गेट अभी बंद कर ले रहे हैं और शाम का ही टाइम हो रहा है, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेंगे। तो देखते हैं, कुछ सब्जी वगैरह है घर के लिए ले लेंगे, फ्रूट्स वगैरह ले लेंगे। और देख सकते हो धूप तो जा चुकी है पूरी तरह से, लेकिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि एकदम परेशान करने वाली है। तो चलो ठीक है, फिर निकलते हैं हम लोग। अभी हम आए हुए हैं मौसी के यहाँ, और ये देखो परी एकदम सरप्राइज हो गई क्योंकि हम फोन करके तो आए नहीं, हमारा अचानक से प्लान बना और बिना बताए हम लोग आ गए। बिन बताए वाले मेहमान हो गए, अचानक से आ गए तो परी एकदम सरप्राइज हो गई। और अभी जा रही थी ट्यूशन तो इसने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया, मैम को ही घर पर बुला लिया कि मौसी आई हुई है तो मैम घर पर ही आ जाए पढ़ा दें। तो अभी ये देखो बैग वगैरह लेके बैठी हुई है और मम्मी उधर बैठी हुई है। अभी मौसी के घर में काम चल रहा है, मुझे खुद प्लम्बर वगैरह का बाथरूम बन रहा है। तो घर में एक बार घर पूरा कंप्लीट होने के बाद जब भी घर में काम लगवाओ ना तो एक्स्ट्रा काम बहुत बढ़ जाता है साफ़ सफाई का, क्योंकि पूरे घर की ना समझ लो पूरे घर में ही सारा काम फैल जाता है। तो चलो फिर आए हैं मौसी के यहाँ, थोड़ी देर बैठते हैं और बाद में मिलते हैं। फाइनली मौसी के घर हम लोग आ गए हैं। कई दिनों से मौसी हम लोगों को बुला रही थी लेकिन टाइम नहीं लग पा रहा था, आज आना हुआ है। और यहाँ भी ना पूरी अफरा तफरी मची हुई है क्योंकि मौसी के घर में भी वर्कर्स लगे हुए हैं, काम लगा हुआ है, बाथरूम को फिर से पूरा रिपेयर करा रही हैं, सारा मेंटेन करवा रही हैं। तो इस वजह से ना घर में जब काम लगता तोड़ फोड़ होती है ना तो पूरे घर की हालत ना बिखरी सी हो जाती है। तो अभी यहाँ पर मौसा जी कुछ खास चीज़ लेकर के आए हैं, जलेबी, क्योंकि जलेबी हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और उनके जो यहाँ मतलब उनकी जो एक शॉप है जिसके यहाँ से वो अक्सर करके जलेबियाँ मंगाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाता है, तो उसी के यहाँ से ये जलेबियाँ आई हुई हैं। साथ में है दही, तो दही जलेबी और प्याज की पकौड़ी, यही मौसा जी ने हम लोगों के लिए मंगाया हुआ है। तो चलो अभी यहाँ पे मौसी सबके लिए प्लेट्स में अलग अलग निकाल रही हैं, और क्योंकि उनकी जो मामा की बेटी है वो भी आई हुई है तो सबके लिए अलग अलग से नाश्ता निकाल करके रेडी कर रही हैं। और मैं बस यहाँ पर मौसी की हेल्प करती जा रही हूँ। फ्रेंड्स, पिछले दो दिन से मैं कोई भी ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। और आजकल आप लोग भी बताइएगा, कुछ मौसम के मिजाज ना बदले हुए हैं, दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और रात में बहुत ही ज़्यादा अचानक से ठंड हो जाती है, सुबह मॉर्निंग में तो इवन आप फ़ैन चला करके भी नहीं लेट सकते। तो सर्दी गर्मी की वजह से ना मुझे भी थोड़ा सा कोल्ड हो गया था और काफ़ी ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, जिसके कारण कोई ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही थी। और ये तो दो दिन पहले का ही ब्लॉग है जब हम मौसी के घर गए हुए थे।
तो यहाँ पर देख सकते हो मैं सबको ले जा कर के दही जलेबी सर्व कर रही हूँ। और सच में बताऊँ जलेबी ना इलाहाबाद की ही बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ का तो ये मतलब मॉर्निंग का नाश्ता ही जलेबी है, दही जलेबी वहाँ का मॉर्निंग का नाश्ता ही है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो सभी लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, और मैं भी यहाँ पर, मौसा जी बैठे हुए हैं, हम सभी लोग नाश्ता करते जा रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं, मैं अद्या को भी खिलाती जा रही हूँ। और अब मम्मी के भी वापस जाने का टाइम आ रहा है, मतलब मींस हो सकता है 2-3 दिनों में मम्मी भी वापस चली जाए ना। तो जब मम्मी को आना था तो बहुत ही ज़्यादा खुशी थी, और जब जाने का टाइम आ जाता है ना थोड़ा थोड़ा सा दुख होना शुरू हो जाता है। तो बस मुझे लगता है कि एक एक दिन कम हो रहा है, और मम्मी से अक्सर कुछ ना कुछ कमिटमेंट करवाते ही रहते हैं कि नानी ऐसा है वैसा है। तो बस, और आप सभी मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को मेरी माँ बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और यहाँ पर देख सकते हो ये है प्याज की पकौड़ी, साथ में है कड़क वाली चाय, तो अभी ये हम लोग खाने पीने जा रहे हैं, साथ में है हरी चटनी। तो देख सकते हो मौसी हम सब जमीन में, पर देख सकते हो मम्मी सब्जियां काट रही हैं, और मौसी ने उनको बैठे बैठे वाला काम दे दिया है, आलू प्याज टमाटर परवल लहसुन की जी आप बैठ करके काट दीजिए। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 का, 9:30 हो रहे हैं कि 9 हो रहे हैं, 9 बज रहा है। और मौसी ने आज हम लोगों को रोक लिया, जबरदस्ती जिद करी कि यहीं पे खाना पीना बन जाएगा, खाना पीना खा करके जाओ बाहर। तो ये देखो बनाई हुई है कुकर में आलू टमाटर पलवन की सब्जी, और ये है रोटियां, और ये देखो अभी ये ट्यूशन पढ़ करके आई है, और चावल है। तो सिंपल से ही खाना, पहले मौसी मूड में आ रही थी कि कुछ स्पेशल बनाओ, मैंने हमने कहा नहीं गर्मी बहुत ज्यादा है, जितना लाइट खाना बना सकी उतना ही बनाइए। तो बस रस वाली सब्जी वैसे सबको पसंद आती है ना, तो आज मौसी ने सबको चैलेंज दिया है कि रस वाली सब्जी जो खाएगा वो पूरा खाना खा के ही उठेगा। तो इतनी बढ़िया सी बनी हुई टेस्टी, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, खा के पता चलेगा कैसी बनी है। तो चलो हम लोग खाना पीना खा लेते हैं, और टाइम भी लेट नाइट हो रहा है, हमें जल्दी जाना भी है क्योंकि अक्षत का मॉर्निंग में स्कूल है, तो बच्चे टाइम से सो जाएंगे तभी टाइम से उठ पाएंगे। और रुद्रांश का भी स्कूल है ना मौसी, रुद्र का भी है, मौसी अपने कामों में लगी हुई है, किचन समेटती जा रही हैं। तो चलो फिर मैं भी खाना ना खा लेती हूँ, मम्मी भी खा ले, फिर निकलते हैं यहाँ से, है ना। ये है आज का खाना, आलू टमाटर परवल की सब्जी, रोटी और अचार है नींबू का, साथ में है नेनुए की सब्जी और चावल, यही आज का खाना है। तो हम मौसी मम्मी हम तीनों लोग यहाँ बाहर बैठ कर के खाना खा रहे हैं, और इसके बाद फिर अभी हम लोग को थोड़ी देर में निकलना भी है, तो रात भी हो रही है, तो मौसा जी हमें ड्रॉप कर देंगे, तो बस उन्हीं का वेट कर रहे हैं क्योंकि वो अभी थोड़ा सा चले गए हैं बाहर, और जैसे ही वो आते हैं वैसे ही वापस हम लोग घर भी जाएंगे। रात में हम लौट करके आए 10:30 बजे, उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि मेरा कुछ भी ब्लॉग शूट करने का मन नहीं कर रहा था, थकान भी हो गई थी, और फिर हम लोग सो भी गए। अभी मॉर्निंग हो चुकी है और मैं बाहर बालकनी में खड़ी हुई हूँ, अब बाहर का नज़ारा सुबह सुबह इतना अच्छा लगता है कि मैंने अपने वीडियो में थोड़ा सा शूट किया है, हल्के हल्के से सूर्य भगवान आसमान में दिखाई दे रहे हैं, और अक्षत स्कूल जा चुके हैं, उनको स्कूल भेजने के बाद भी मुझे थोड़ा सा 10-15 मिनट टाइम मिलता है, तो मैं बालकनी में वॉक करूँगी, योगा करूँगी, जो मुझे समझ में आता थोड़ा 10-15 मिनट में कर लेती हूँ, और ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बच्चों के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। अभी तो मम्मी है तो थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाता है, मम्मी मेरी थोड़ी हेल्प कर देती हैं, लेकिन जब मुझे अकेले ही सब कुछ मैनेज करना होता तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है मुझे अपने लिए वक्त निकालना, अपने लिए समय निकालना।
तो बस सुबह सुबह ही अक्षत को जब स्कूल भेज देती हूँ उसके बाद थोड़ा सा समय अपने लिए चुरा लेती हूँ। एक हाउसवाइफ की लाइफ में ना जो टाइम होता है वो चुराया ही जाता है, तो बस थोड़ी सी चोरी कर लेती हूँ अपने इस बिजी शेड्यूल से अपने खुद के लिए। तो चलो फिर मैं अभी वीडियो का एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर देना, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।